माखनलाल चतुर्वेदी का राष्ट्रीय काव्य अतुलनीय और अप्रतिम है। उनके राष्ट्रीय काव्य में एक जीवंतता है। इसका कारण यह है कि ये उस जमाने के कवि हैं जब वातानुकूलित कक्ष में बैठकर उन्होंने काव्य की रचना नहीं की है। आजकल के कवि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर और वातानुकूलित कक्ष में बैठकर रचनाएं करते हैं, किंतु इन्होंने जीवन को भोगा है। जो कुछ घटनाएं उनके जीवन में आई है, उन घटनाओं को उन्होंने अपने काव्य में चित्रित किया है। वे सक्रिय राजनीति में थे, सक्रिय पत्रकारिता में थे और उस समय तत्कालीन परिवेश में अंग्रेजी शासन के समय जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी उसके सहभागी थे। इसलिए जब इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया तो उन्हीं भावनाओं को और उन्हीं स्पंदनों को अपने काव्य में स्थान दिया जो उनकी धड़कनों में समाई हुई थी। जब वे जेल जाते थे तो वहाँ पर लिखने के लिए उन्हें कागज नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में वे दीवारों पर अपने नाखूनों से कविता लिखा करते थे, कोयले से कविता लिखा करते थे। और यदि ये दोनों चीज़ भी वहाँ पर किसी तरह से संभव नहीं हो सकती थी तो वे अपने खून से वहाँ पर लिखते थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया है। इसलिए उनका जो काव्य है वह उनकी धड़कनों से, उनके स्पंदनों से, उनकी भावनाओं से, उनके जीवन की घटित घटनाओं से जुड़ा हुआ है और इस कारण उसमें जीवंतता है, एक जिंदापन है। और इसी कारण उनका काव्य जो है जनमानस को सीधा छूता है और प्रभावी बनता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो काव्य है वह अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और आज भी वह अपनी प्रासंगिकता को, आज भी वह अपनी पहचान को और आज भी अपनी पकड़ को बनाए हुए है और विश्व साहित्य में इसीलिए उसका स्थान आज भी बना हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्मन और उस अंतर्मन से प्रसूत राष्ट्रीय काव्य में अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ है। ये विशेषताएं उनके जीवन और जगत के विभिन्न पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ये वे विशेषताएं हैं जिनसे कवि का अंतर्मन, उसकी बुद्धि और उनकी चेतना प्रभावित हुई है और भावनाओं के साथ सम्मिश्र होकर उन्होंने कविता का आकार ग्रहण किया है। उनके काव्य में बलिदान की भावना मिलती है, आध्यात्मिकता का स्वर मिलता है। प्रकृति पर भी उन्होंने रचनाएं लिखी है जिससे प्रकृति का विस्तार उनके काव्य फलक पर हुआ है और उस प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। इसके साथ ही उनके काव्य में अंतर्राष्ट्रीयता का स्वर मिलता है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता दो भिन्न चीज़ें हैं, दो भिन्न तत्व हैं, दो भिन्न भावनाएं हैं, उनका स्वरूप भिन्न है। किंतु स्वतंत्रता के पहले हमारा भारत एक राष्ट्र था और उसके प्रति प्रतिबद्ध माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी रचनाएं लिखी थी। कालांतर में जब हम स्वतंत्र हुए तो यही राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता में परिवर्तित हो गई थी। उसका प्रभाव उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में गांधी दर्शन का प्रभाव है। हालांकि वे अपने जीवन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विद्याशंकर और महात्मा गांधी से प्रभावित हुए हैं, परंतु गांधी जी का प्रभाव उन पर सर्वाधिक था और उसका निदर्शन, उसका चित्रण उनके काव्य में बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने काव्य में तत्कालीन सामाजिक अवस्थाओं पर भी कलम चलाई है और उसका चित्र भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। जेल जीवन का चित्रांकन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है और उन्होंने अपने काव्य में उद्बोधन भी दिया है, संस्मरण भी दिए हैं और अपने मित्रों को और आदरणीय व्यक्तियों को श्रद्धांजलियाँ भी प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो काव्य है वह अपने आप में संपूर्ण विषयों को जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय
स्थितियों और परिवेश से जुड़े हुए हैं उन सब को उन्होंने अपने काव्य फलक पर समेटा है और यही इनकी राष्ट्रीयता का स्वरूप है। अब हम बलिदान की भावना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का जो मूल स्वर है और उनकी जो राष्ट्रीयता है, उस अंतर्निहित राष्ट्रीयता में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात महसूस की है वह यह है कि हम जब तक अपने अंतःकरण में बलिदान की भावनाओं को आत्मसात नहीं करते हैं, तब तक हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पराधीन हैं, विदेशी शासक हम पर शासन कर रहा है। ऐसी स्थितियों में यदि हम अपने प्राणों को बचाकर इधर उधर छुपते फिर रहे हैं या अपनी पहचान को छुपाकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह बलिदान की भावना होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में, जिससे वह अपने देश को आज़ाद करने की दिशा में, अपने देश को स्वतंत्र करने की दिशा में और शत्रुओं से संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़ सके। उनके मन में जो बलिदान की भावना है वह यह है कि वे एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपनी इस सारी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह कविता जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी ने इसे लिखा है। आज उस कविता का मूल्य यह है कि वह किसी एक देश की रचना नहीं है, वह किसी एक समय की रचना नहीं है, किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। उसका जो मूल्य है वह सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनीन है और वह शाश्वत है। सामयिक घटनाओं के प्रभाव में निश्चित ही इस रचना को लिखा गया, किंतु आज उसका मूल्य 100 वर्षों के बीच जाने के बाद भी बना हुआ है। और इस तरह से देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी ने जो राष्ट्रीयता की कविताएं लिखी हैं वे सार्वकालिक हैं, शाश्वत हैं और कभी भी अपनी पहचान को बनाए रखने में समर्थ है। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस कविता में एक फूल, एक पुष्प, एक सुमन, उसकी इच्छा को अभिव्यक्त किया गया है। फूल पेड़ की डाली पर लगता है, हवा चलती है, उस हवा के झोंके से वह हिलता है और उसकी खूबसूरती वहाँ पर दिखलाई देती है, उसका सौंदर्य वहाँ पर द्विगुणित हो जाता है। इस सुंदर फूल को अनेक तरह से उपयोग में लेते हैं। कुछ लोग उसे तोड़कर अपने बालों में लगाते हैं, नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है। कुछ लोग उसे तोड़कर मंदिर पर चढ़ाते हैं, कुछ लोग उसका हार बनाकर सम्राटों पर के गले में डालते हैं। अलग अलग तरीके से इस फूल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फूल अपने अंतर्मन की बात कहता है। वह कहता है कि मेरे मन में इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदरी के बालों में लगूं, मैं किसी सम्राट के गले में हार बनकर रहूं, मैं किसी मंदिर में किसी देवता के चरणों में रहूं। मुझे इस प्रकार की कोई कामना नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जिस रास्ते पर देश को आज़ाद करने के लिए बलिपति जा रहे हैं, अपने आप का, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जा रहे हैं, उस रास्ते पर मुझे रख दिया जाए ताकि उनके चरणों का स्पर्श मुझे हो और मैं अपने जीवन को धन्य समझूं। यहाँ पर यह फूल भारत में रहने वाले व्यक्तियों का भी हो सकता है, यह फूल भारत से बाहर किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की भावनाओं को भी व्यंजित करता है। उस बलिपति को, उस बलिदान के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के अंतर्मन की पुकार को अभिव्यक्त करता है जो निश्चित ही अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यह बात एक फूल के माध्यम से बतलाई गई है। यह फूल प्रतीक रूप में है, यह फूल एक व्यक्ति के रूप में है। मनुष्य का जो अंतःकरण होता है वह किसी फूल से कम नहीं होता। उसमें जो कोमलता होती है वह
उस व्यक्ति के अंतःकरण की कोमलता होती है, उसके आचरण की कोमलता होती है, और इसी तरह से फूल की जो सुवास होती है वह उस व्यक्ति के सद्गुणों की सुवास होती है। एक तरह से देखा जाए तो यह कविता अपने आप में अप्रतिम है, और बलिदान की भावना को जिस तरह से वहाँ पर व्यंजित किया गया है वह न केवल माखनलाल चतुर्वेदी का गौरव बढ़ाती है बल्कि हम सारे भारतीयों का गौरव भी बढ़ाती है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में आध्यात्मिकता का स्वर बहुत ही पावन रूप में दिखलाई देता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो राष्ट्रीय काव्य है और उसकी जो राष्ट्रीय भावना है वह भी आध्यात्मिक है। अब यह बात अपने आप में थोड़ी सी विचित्र प्रतीत जरूर होती है, किंतु सच्चाई यही है। माखनलाल चतुर्वेदी का बचपन पारिवारिक संस्कारों में, वैष्णव संस्कारों में हुआ था। उनके अंतर्मन में, उनके घर में जो वैष्णव की गूंज थी वही बाहरी वातावरण में अनुगूंज बनकर परिलक्षित होती है। माखनलाल चतुर्वेदी पर स्वामी रामतीर्थ और रामकृष्ण परमहंस का पूरा पूरा प्रभाव था। वे विवेकानंद, एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी प्रभावित थे। इन सब का प्रभाव उन पर यह हुआ कि वे आध्यात्मिक भी हुए, और उनकी यही आध्यात्मिकता उनके काव्य में परिलक्षित होती है। वैसे भारतीय साहित्य में भी संत हुए हैं, उनका प्रभाव भी माखनलाल चतुर्वेदी पर पड़ा है। उदाहरण के लिए कुछ रचनाएं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सीख चो में घूमता हूं, चरणों को चूमता हूं, सोचता हूं मेरे इष्ट देव पास बैठे हों। यह इष्ट देव कृष्ण के रूप में भी हो सकते हैं, यह इष्ट देव राष्ट्र भी हो सकता है, और यह प्रतीकात्मक भी है, व्यंजना भी है और सच्चाई भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण, मैं पहला पत्थर मंदिर का अनजाना पथ जान रहा हूँ, गड़ू नियों में अपने कंधों पर मंदिर अनुमान रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर जो है वह राष्ट्र की स्वतंत्रता है, और पहला पत्थर जो है वह बलिदानी का सिर है, वह अपना बलिदान करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति बलिदान करेगा उससे दूसरे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और फिर अन्य व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आत्मोत्सर्ग करेंगे। जब तक बलिदान नहीं किया जाएगा इस राष्ट्र का मंदिर, इस राष्ट्र के राष्ट्र जो एक मंदिर के रूप में है वह कहीं भी पूरी तरह से निर्मित नहीं होगा। तो राष्ट्र को स्वतंत्र करना है, उसे एक मंदिर के रूप में स्थापित करना है तो प्राणोत्सर्ग तो करना ही होगा। यह आध्यात्मिकता का स्वर यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से माखनलाल चतुर्वेदी ने अभिव्यक्त किया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति को आधार बनाकर अपनी भावनाओं को और विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओं को बहुत मुखर अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रकृति मनुष्य की बहुत पुरानी सहचर है। प्रकृति के विविध रूप मनुष्य के अंतर्मन में उसकी भावनाओं के विविध रूपों को जगाने के लिए समर्थ है। ऐसी स्थिति में जब कोई कवि अपनी भावनाओं को एक मूर्त रूप प्रदान करना चाहता है, और यदि उसे अपनी बात प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वह प्रकृति का सहारा लेता है, और यह प्रक्रिया केवल माखनलाल चतुर्वेदी तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पूर्व के अनेक कवियों ने भी प्रकृति को अपने काव्य का आधार बनाया है, और माखनलाल चतुर्वेदी के परवर्ती अनेक कवियों ने भी प्रकृति को माध्यम बनाया है। प्रकृति के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यहाँ पर हिमकिरीटनी का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके माध्यम से हम प्रकृति और राष्ट्रीयता दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वह प्राप्त करेंगे। कविता है, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो
मीठा इरादा देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका, डालियों ने भूमि रुख लटका, दिए फल देख जाली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सर दिए, फल दिए या सर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। वृक्षों पर फल लगते हैं और वे फल टूटकर नीचे गिरते हैं, वृक्ष अपने फल देता है ताकि उसकी सार्थकता बनी रहे। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य फल नहीं अपना सर दे ताकि उसकी जवानी सार्थक हो। जब हम स्वतंत्रता के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वृक्ष की तरह अपने सर का बलिदान करना चाहिए। यही बात इन पंक्तियों से अभिव्यक्त हो रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस तरह के अनेक उदाहरण माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीयता का जो स्वरूप परिलक्षित होता है प्रारंभिक स्थिति में, उसमें राजा महाराजाओं की स्तुति का गान होता था, बाद में राज्य की स्तुति का गान होता था, क्योंकि तत्कालीन समय में राज्य ही उनके लिए सर्वोपरि था। अंग्रेजों के आने के बाद राज्यों का पतन होता है और पूरा भारतवर्ष एकता के सूत्र में बनता है और उस समय एक पूरे भारत राष्ट्र की कल्पना की गई थी। तो पराधीन जब हम थे उस समय माखनलाल चतुर्वेदी ने जो अपने राष्ट्रीय काव्य का सृजन किया उसमें राष्ट्र की वंदना की और राष्ट्र के लिए ही उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। किंतु धीरे धीरे उनकी दृष्टि भारत से बाहर निकली और एशिया तक पहुँची और उसके बाद फिर पर्वती रचनाओं में जब हम स्वतंत्र हो गए तो यह भावना उनकी जो राष्ट्र की थी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची और उन्होंने संपूर्ण विश्व को ही एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। यह बात उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है और इससे प्रतीत होता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो राष्ट्रीय काव्य है वह केवल देश काल की सीमाओं में ही बंद कर नहीं रह गया है बल्कि विश्व कल्याण की भावनाओं को भी उन्होंने अपने में आत्मसात किया है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है वेणुलो गुंजे धरा, उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वेणुलो गुंजे धरा मेरे सलोने श्याम, वेणुलो गुंजे धरा मेरे सलोने श्याम, एशिया की गोपियों ने वेणी बांधी है, एशिया की गोपियों ने वेणी बांधी है, गूंजते हो गान घिरते हो अमित अमिधान, तारकों सी नृत्य ने बारात साधी है। इस कविता में उन्होंने एशिया की गोपियों को चित्रित किया है। अभी तक हम गोपियां जो मानते थे वह ब्रज में ही होती थी, किंतु ब्रज से भारत की गोपियां और भारत के बाद अब एशिया की गोपियां, अर्थात यहाँ पर उनके दृष्टि का जो विस्तार है वह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हेमकिरीटनी की एक कविता का दो पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। गेह छोटा सा हो तो कहूँ, गेह छोटा सा हो तो कहूँ, विश्व का प्यारा धर्म क्षेत्र। यहाँ पर उन्होंने मेरा छोटा सा, मेरा घर यदि छोटा सा हो तो कहूँ, मेरा तो घर जो है वह छोटा सा नहीं पूरे विश्व का ही है, तो विश्व को यहाँ पर लिया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीयता का जो स्वर है वह उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। यह उनकी दृष्टि की व्यापकता है जो स्तुत्य है। माखनलाल चतुर्वेदी का राष्ट्रीय काव्य गांधी दर्शन से प्रभावित है। माखनलाल जी अपने जीवन में राजनीति में जब सक्रिय हुए तो उन पर तत्कालीन अनेक नेताओं का प्रभाव पड़ा था। उनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है।
किंतु इन सब के बाद में जब माखनलाल जी का संपर्क महात्मा गांधी से हुआ तो वे गांधी जी के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं में गांधी जी के सिद्धांतों को स्थान दिया। वे गांधी जी के साथ रहते थे और गांधी जी के अनेक कार्यक्रमों के बारे में उन्हें जानकारी रहती थी। उन्होंने देखा कि गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखा चलाते हुए सूत के तारों को वे इस तरह से लोगों के सामने रखते थे जैसे वे सूत के तार नहीं हो बल्कि भारत की जनता के अंतर्मन के तार हों, और उन तारों को जोड़ने का प्रयत्न महात्मा गांधी ने चरखे के माध्यम से किया, तकली के माध्यम से किया। ये छोटी छोटी बातें थी। छुआछूत के बारे में महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था उससे भी माखनलाल जी बहुत प्रभावित थे और उन्होंने छुआछूत को हटाने का संकल्प भी लिया था। एक ब्राह्मण परिवार में होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी के इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से अपनाया था और सत्याग्रह, अहिंसक आंदोलन और इस तरह से जितने भी कार्य महात्मा गांधी ने राजनीति में अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए किए थे, उस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ माखनलाल जी रहे और केवल सक्रिय नहीं रहे बल्कि उनके काव्य में भी महात्मा गांधी के इन कार्यों का बहुत सुंदरता से वर्णन होता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण मरण ज्वार से दे रहा हूँ। तू कपास के तार तार में अपनापन जब बोता, महात्मा गांधी के लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं। तू कपास के तार तार में अपनापन जब बोता, राष्ट्र हृदय के तार तार पर वह प्रतिबिंबित होता। तू कपास के तार तार में अपनापन जब बोता, राष्ट्र हृदय के तार तार पर वह प्रतिबिंबित होता। झोपड़ियों का रुदन बदल देता तू मुस्कुराहट में, झोपड़ियों का रुदन तू बदल देता मुस्कुराहट में। करती है श्रृंगार क्रांति इस उलट पुलट में, करती है श्रृंगार क्रांति इस उलट पुलट में। मरण ज्वार में गांधी जी के ऊपर लिखी गई यह कविता अपने आप में बहुत सटीक है, अर्थपूर्ण है और प्रभावी है। इसी तरह से उन्होंने एक और छोटी सी कविता लिखी है, वह भी मरण ज्वार से है। हिंसा और घृणा दोनों ही है मेरे मजहब में पाप, हिंसा और घृणा दोनों ही है मेरे मजहब में पाप। दोनों मेरे साथ नहीं हैं, होते करता पश्चाताप। यहाँ पर हिंसा और घृणा से महात्मा गांधी दूर रहते थे और यही भावना माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्मन में भी है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं और उनकी कविताओं का आकलन कर रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि गांधी जी का प्रभाव माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य पर और उनके जीवन पर दोनों था। और इस दृष्टि से महात्मा गांधी चूँकि अपने युग के एक अप्रतिम पुरुष थे, उनका जो युग था तब का युग नहीं था, आज भी गांधी जी की प्रासंगिकता बनी हुई है, इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय काव्य की प्रासंगिकता भी आज बनी हुई है। आज के इस कार्यक्रम में हमने माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीयता और उस राष्ट्रीयता की कुछ विशेषताओं पर विचार किया। ये विशेषताएं थी बलिदान की भावना, आध्यात्मिकता में आश्रय, प्रकृति पर विस्तार, अंतर्राष्ट्रीयता का स्वर और माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में गांधी दर्शन का प्रभाव। अगले कार्यक्रम में हम माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में जो राष्ट्रीयता है उस पर कुछ अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जैसे समसामयिक राजनीति का प्रभाव, सामाजिक अवस्था के संकेत, जेल जीवन का चित्रांकन, उद्बोधन और माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन में आए हुए अनेक व्यक्तियों के संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ।